हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रूबिक सीरीज में आज मैं एक ऐसे टॉपिकल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको इरिटेशन वाले, इचिंग वाले कंडीशन से, एलर्जिक वाले रिएक्शन से काफी ज्यादा बचा करके रखता है। इसका जो ब्रांड नेम है वह है कैलाड्रिल। बॉटल को देख करके और नाम को देख करके कंफ्यूज मत होइए, इट इज अ कैलाड्रिल नॉट अ बेलाड्रिल। ये कफ सिरप बिल्कुल भी नहीं है। कैलाड्रिल एक कैलामाइन का लोशन है। कैलामाइन का लोशन कई जगह आपकी स्किन को सूद करने के लिए यूजफुल हो सकता है। अक्सर आप देखते हो कि आपके स्किन में कोई चकत्ते उठ करके आ गए हैं, कोई फुंसियां आ गई हैं, घमौरियां आ गई हैं, या कभी कुछ ऐसे इंसेक्ट्स ने आपको काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, कुछ कीड़े ने काट लिया है, तो वहां पे जलन, चुभन और रैशेस नजर आते हैं। ऐसे केस में आप इस टॉपिकल सॉल्यूशन को यूज करके उससे रिलीफ ले सकते हैं, तो ये काफी अच्छा सूदिंग इफेक्ट है। चलिए मैं बात कर लेता हूं इस कैलाड्रिल जो कि ब्रांड नेम है, इसका बेसिक यूज। तो ये है स्किन सूदिंग लोशन, तो इसको स्किन को सूद करने के लिए, आराम देने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसका इंडिकेशन क्या क्या है, स्किन एलर्जिक के रूप में यूज कर सकते हैं। इट इज वेरी इफेक्टिव इन ऑल काइंड ऑफ स्किन एलर्जी, किसी भी तरीके की स्किन एलर्जी के लिए ये काफी यूजफुल है। उसके हिस्टामिक रिस्पांस को ये सप्रेस करने के लिए काफी यूजफुल है। इसके जो इफेक्टिव रिलीफ किस में मिलेंगे वो भी यहां पे बताया गया है, और ये कंप्लीटली ओटीसी प्रोडक्ट है। इसको परचेस करने के लिए किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका जो यूज है ऑल काइंड ऑफ स्किन एलर्जी, इट इज ऑल्सो यूज फॉर सनबर्न। अगर आपके किसी पर्टिकुलर पार्ट का सनबर्न हो गया, धूप से जल गया है, तो उसे आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कीड़े ने, किसी कीड़े मकोड़ों की दूसरी किसी भी तरह की प्रजाति ने, जो कि वो बहुत ज्यादा विषैला ना हो, उसने अगर काटा है, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। घमौरियों के समय में इसको आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको राहत मिलेगा, काफी आराम दिलाएगा। कई बार गर्मियों में हमारी उंगलियों के बीच में छोटे छोटे फुंसी आ जाती है, जो घमौरी का ही एक टाइप है, बट इसमें पानी भर जाता है, उसको फूटते हैं पानी, तो वहां भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, तो वो आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ अगर कोई स्किन में माइनर कट या इरिटेशन हो रहा होगा, तो वहां भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये काफी तरीके से यूजफुल है, और ये कंप्लीटली एक्सटर्नल यूज है। इसे इंटरनली नहीं लेना है, यानी कि इसे यूज ओरली नहीं करना, इसे केवल सतह पे, स्किन पे ही अप्लाई करना है। डायरेक्शन बताया गया है कि इसको आप एक कॉटन पे ले लें, और कॉटन पे लेने के पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लें जहां पे आप अप्लाई करने वाले हो। किसी तरह का डस्ट, किसी तरह का पस, किसी तरह का स्पूटम या कोई ऑर्गेनिक मटेरियल स्किन का नहीं होना चाहिए। क्लीन कर दो, ड्राई कर दो, उसके बाद इसे आप दिन में 2 से 3 बार, जरूरत के हिसाब से एक आध बार और बढ़ा सकते हो, उसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन सा है। चलिए इसके फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला है कैलामाइन, इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो 8% वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व किया गया। कैलामाइन सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, इसका भी वीडियो हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे है, वहां से भी आप चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा इसका इंग्रेडिएंट है डाइफिनाइल हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक बेसिकली एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका कंसंट्रेशन है 1% वेट बाय वॉल्यूम। अगला जो कंसंट्रेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट का, वह एथेनॉल, विच इज 95%। इसका जो कंसंट्रेशन है वो 2.37 वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्योंकि ये एथेनॉल जो है वो लिक्विड है, इसलिए लिक्विड में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में जाएगा। इसके अलावा इसमें एथेनॉल आईपी को यूज किया गया है 2.256% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के अलावा। इसमें और भी यूज किया गया है कंफर्ट एक्वस बेस, यानी कि कपूर के पानी का एक्वस बेस में यूज किया गया है वो ठंडक देने के लिए, और इसकी जो क्वांटिटी है वह है क्वांटिटी सफिशिएंट, बिकॉज इट इज अ एक्सिपिएंट, इट इज अ बेस, उसकी क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। तो ये बेसिक प्रिपरेशन है जिसके बारे में बताया गया है। वार्निंग के बारे में लिखा गया है एक चीज की, दैट शुड बी अप्लाइड ऑन एक्सटर्नल सर्फेस ओनली एंड दैट हैज नॉट टू बी अप्लाइड ऑन ब्लिस्टर, जहां कहीं भी फफोले पड़ गए, फूल गया है, वहां पे इसको आप अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो जलन कर सकता है। इसके अलावा किसी भी सेंसिटिव स्किन पे, जो कि स्किन बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होती है, कुछ लोगों की सेंसिटिव है, तो उनको भी वहां पे ये चीजें अप्लाई नहीं करनी है, बाकी इसे कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे रखना है। ये एक ऐसा लोशन है जिसको अप्लाई करने से पहले आपको अच्छे से शेक करना है, और शेक करने के बाद इसको ओपन करके उस पर्टिकुलर पार्ट में लगाना है जहां पे आपको इश्यूज हो रही है। आप देख सकते हैं कैलामाइन का जो कलर है वो कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसे आप अपने स्किन पे भी अगर लगाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो कॉटन में लेकर के आप इस तरीके से इसे अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये ड्राई हो जाएगा, और जब आप दोबारा अप्लाई करना चाहेंगे तो इसे अच्छे से वॉश कर ले। जैसे ही मैंने अपने हाथ पे ऊपर इसे लगाया है, एक ठंडक का एहसास दे रहा है, क्योंकि इसमें कंफर्ट बेस है। कैम्फर्ट बेस मतलब कपूर का बेस है, साथ में इसमें एथेनॉल लगाया गया है जो कि एक ठंडक का एहसास दे रहा है। तो घमोरियों, जलन, चुभन, इरिटेशन में ये काफी अच्छा रिलीफ प्रोवाइड करेगा, और एलर्जिक रिस्पांस के कारण से जो भी आपको इचिंग फील हो रही होगी उसको भी मास्क करने का काम करेगा। एंड दिस इज कंप्लीटली हार्मफुलनेस नहीं है इसका, ये बहुत सेफ है अगर इसे आप एक्सटर्नल सर्फेस पर अप्लाई करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।